मॉर्निंग दोस्तों, तो अपन ने जो बात की थी, जो हमारा चल रहा था अव्यक्त, अव्यक्त को हम प्रकृति भी कहते हैं। और अव्यक्त जो बोला गया था, अव्यक्त को अव्यक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि को अपने अंदर समाहित रखती है। जैसे एक पीपल का बीज होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, लेकिन वो पूरे विशाल पेड़ को, उस संरचना उसमें पहले से मौजूद होती है। इसलिए अव्यक्त को हम अव्यक्त कहते हैं। लेकिन उसमें हम बीज से हम पेड़ पीपल को नहीं दिखा सकते, इसलिए हम उसे अव्यक्त कहते हैं। दूसरा, हम अव्यक्त को प्रकृति के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति क्यों का, और प्रधन कृति यानी कि प्र जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है पहले, आगे की ओर, प्रस्तर यानी कि इससे पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ, इसे प्रकृति कहते। कृति मतलब रचना, यानी इसके बाद ही जो रचना उत्पन्न होगी वो बाद उत्पन्न होगी, इससे पहले कोई भी रचना उत्पन्न नहीं हुई, तो इसलिए हम प्रकृति कहते हैं। इसको माया भी कहा गया है। माया इसलिए कहते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की में सृष्टि जो हम देखते हैं, चित्र विचित्र है अनेकों प्रकार की, इसलिए हम इसे माया भी कहते हैं। इसे शक्ति भी बोला गया है, शक्ति, क्योंकि इसके अंदर असीम शक्तियों का भंडार, असीम शक्तियाँ इसके अंदर। जैसे शक्ति की बात करें, हम परमाणु शक्ति की बात करें, एक परमाणु बम छोटा सा होता है, इतना होता है, लेकिन जब वो अपना काम करता है तो वो हुड़दंग मचा देता है। और आप जानते भी हो, जब परमाणु वो फेंके गए थे वो जापान में, कितने लोग मरे गारे गए थे, उस छोटे से बम में इतनी शक्ति कहाँ से आई। वो उसकी शक्ति उसमें अव्यक्त रूप से है, क्योंकि उसकी प्रकृति है। और प्रकृति हम स्वभाव में भी वर्णन करते हैं कि किसी मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, और वो उसी वैसा ही रहेगा, तो फिर ये चेंज नहीं होती। देखे थे प्रकृति बदलती नहीं, क्योंकि उसी वो बीज से आई है, वो बदलने का कैसे बदलेगी ये ऐसा हो नहीं सकता। उसे अविद्या भी कहते हैं। अविद्या इसलिए कहते हैं कि इसमें खुद में विद्या नहीं होती, क्योंकि विद्या बाहर देख के आती हैं, उसके इस्तेमाल करने पर आती हैं, और कहीं ना कहीं ये उसके अंदर छिपी होती है। इसका ये त्रिगुणात्मक होती है। त्रिगुणात्मक हम आगे वर्णन करेंगे। त्रिगुणात्मक है, एक इसका रेफरेंस आता है, एक इसका रेफरेंस आता है, सुश्रुत संहिता शरीर स्थान पहला अध्याय दूसरा श्लोक जो है कहता है, सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्व रज तमो लक्षणम अष्ट रूपम अखिलस्य जगते संभव हेतु अव्यक्तम नाम तदेकम बहुनाम क्षेत्र ज्ञानम अधिष्ठानम समुद्र एवोदकानाम भवानाम। यानी कि अर्थात समस्त भूतों का आदि कारण परंतु स्वयं कारण रहित सत्व रज तम, इन तीनों गुणों के लक्षणों से युक्त और अखिल जगत की उत्पत्ति का हेतु अव्यक्त है। जिस प्रकार एक समुद्र अनेक जल जीवों का अधिष्ठान होता है, उसी प्रकार एक अव्यक्त अनेक क्षेत्र को क्या भी अधिष्ठान होता है। यानी कि अव्यक्त जो है उसके अंदर सारी सृष्टि का सार है, और ये सृष्टि को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, ये पहले पीछे के दो एपिसोड, आज के एक एपिसोड अव्यक्त जो के नाम पे था, जो सृष्टि जो कर्म होती है, सृष्टि जब लय होती है, सृष्टि जब उत्पन्न होती है, जो पहला स्टेप होता है अव्यक्त का, अव्यक्त का, और ये अव्यक्त महान में बदलेगा। कहते हैं कि ये ऋग्वेद में दिया गया है कि अव्यक्त का दसम अंश यानी उसका दसवां हिस्सा आगे कन्वर्ट होता है। तो सोचिए अव्यक्त क्या था, तो आगे देखिए अव्यक्त का हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे महान के बारे में। तो अव्यक्त के बारे में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैमरामैन विनोद कुमार केसा, डॉक्टर मनीष कुमार सोनी, यूट्यूब चैनल अंकुर मनिया। थैंक यू।